दोस्तों, मैं हूं संतोष निगम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैकबेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट जो है वो डिस्कस किया था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस किया था। साथ में ये भी डिस्कस किया था अगर से हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, क्योंकि कल यहाँ से क्लोजिंग हो गया था और यहाँ पे आज हम लोग को ओपनिंग मिला था। अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग अगर हम लोगों को मिलता है तो यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट में रिजेक्शन के, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लोगों को इस लेवल पर रेजिस्टेंस है। सो यहाँ से अपसाइड एक अच्छा सा मूव आ सकता है, लेकिन निफ्टी में ऑलरेडी निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस पे खड़ी थी। तो गैप डाउन अगर होता है तो निफ्टी में भी थोड़ा बहुत गैप मिल जाएगा हम लोगों को अपसाइड में मूव करने के लिए। तो वो हिसाब से हम लोगों को बहुत बेहतरीन मूव अपसाइड में देखने को मिला था और एग्जैक्टली अपनी प्राइस पे मैंने प्रीमियम ग्रुप में सी भी बाई करने को लगाया था और यहाँ पे मैंने पी की कॉल भी शेयर की थी। इसका रीजन जो है जब हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब जरूर चेक करेंगे कि यहाँ पे मैंने पी जो है वो क्यू शेयर की थी, जिसमें हम लोग को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिला था। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में तो देख लीजिए, रीजन यही था कि कल हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग मिला था और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग का लॉजिक था कि यहाँ से हम लोग को रिवर्सल मिलेगा। अब ऑब्वियस चीज है, सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेच कर देना था, यहाँ से ये अपसाइड में चला गया, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और एक शार्प फॉल हम लोग को निफ्टी पे देखने को मिला। सेम लॉजिक के साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लेकर के आएगा, इस प्रेडिक्शन के साथ में मैंने बैंक निफ्टी की पीई की ट्रेड भी जो है वो ट्रेड करवाई थी और गैप डाउन खुलने का जो है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और गैप डाउन के बाद में एक अप ट्रेंड भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। 18213 का इंपॉर्टेंट लेवल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देख लीजिए, ये सारे जो लेवल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लेवल जो है अगर सेल साइड में एक्टिवेट हो गया तो इसके टारगेट्स है। तो देखो गाइज, ये सारे लेवल्स जो भी हैं ये टारगेट्स तो है ही सेल साइड में, लेकिन ये अपने आप में यहाँ पे सपोर्ट्स है और जब अपसाइड में जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोगों को मार्केट में रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, यानी कि बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो है वो होते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे, जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोगों के साथ में शेयर किए थे मैंने आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके साथ में तो पहली स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी कोटक बैंक की। यहाँ पे हम लोग को कोई क्लोजिंग नहीं मिला था, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना था और यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग जरूर मिला लेकिन उसका लो नहीं गया, तो सेल साइड में भी कोई एंट्री नहीं बना, यानी यहाँ से एक अप ट्रेंड का मूव जो है वो हम लोग को देखने को मिला था कोटक बैंक में। प्राइस एक्शन पे इस पर एंट्री बन रही थी, लेकिन जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर किए हैं यहाँ पे तो कोई लेवल एंट्री जो है वो नहीं बनी है। सो मैं बिगिनर्स के लिए कहूंगा कि कोटक बैंक में हम लोगों के लिए कोई एंट्री जो है वो नहीं बनी है। SRF आज के दिन की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी, यहां से इसने एक रिजेक्शन लिया था ये वाली ट्रेंड लाइन का और शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला था जो फर्स्ट लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां तक का, जिसमें हम लोगों को टारगेट 1 देखने को मिला है। तो पीई में एक अच्छे से प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है हम लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का गैप है इस स्टॉक में दो लेवल्स के बीच में, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हम लोग को ऑप्शंस पे देखने को मिला। अब सिमिलर यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला जिसमें हम लोगों को अराउंड लेवल 2 का टारगेट, अबोव लेवल 1 का टारगेट जो है वो देखने को मिला एंड उसके बाद में स्टॉक में एक साइडवेज का मोमेंटम जो है वो आज के दिन में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। और जो तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी दोस्तों, वो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक शार्प फॉल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। अब अगर ये बड़ी वाली कैंडल का कैंडल क्लोजिंग का अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा करके चलेंगे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे जो कि ऑप्शन पे बहुत लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस जो है वो निकल करके आ जाएगा। बहुत सारे कई सारे वीडियोज में डेली बेसिस पे आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा लंबा चौड़ा कैंडल बने आप लोगों को अगली कैंडल का वेट करना है कि अगली कैंडल कैसे बनती है। मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद अगर लो जा रहा है तो फिर प्राइस एक्शन पे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। ऐसे किसी भी अपॉर्चुनिटी का जो हम लोग को यहाँ पे वेट करना होता है, सो हम लोग को यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो देखने को नहीं मिला है और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस का लेवल है क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था, सो ऑब्वियसली सेम लेवल पे ये ऊपर चला गया और यहाँ से हम लोग को एक डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिला। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे हम लोग यहीं पे शॉर्ट कर सकते थे, मैजिकल लेवल पे यहाँ पे एंट्री बनी थी और हम लोग को अराउंड लेवल 2 का टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिला, यानी कि 253 डेज तक गाइज 99% की जो भी एक्यूरेसी मैं क्लेम करता हूँ आप लोग के साथ में अपने हर YouTube के वीडियो में, हर YouTube के थंबनेल पे वो आज भी बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट 365 एपिसोड जो है वो ऐसे ही बनाऊं। सो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा गारंटी है दोस्तों, इस टाइप के एक्यूरेट प्रेडिक्शन और मैजिकल लेवल्स आप लोगों को किसी भी YouTube के चैनल पे जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। सो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो देकर के रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर
वीडियो को लाइक और कमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे। क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए। क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों, जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट आज में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कल के दिन की जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी इंडिगो की। इंडिगो में पूरा दिन भर एक अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो इस स्टॉक में ट्रेड होता हुआ हम लोग को दिख रहा है, लेकिन स्टॉक में कोई भी मूवमेंट हम लोग को जो है वो देखने को नहीं मिला है। और एंड ऑफ द डे जो हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिला है वो हमारे मैजिकल लेवल के अराउंड देखने को मिला है। अगर यहाँ से कल इस स्टॉक में ड्रॉप आ जाता है तो 2035 के नीचे स्टॉक बेयरिश होगा, 2026, 2013, 1995 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2046 हमारा यहाँ पे स्टॉक लॉस रहेगा। इन केस अगर यहीं से कल थोड़ा सा हल्का सा गैप अप अपनिंग मिलता है और यहीं से रिवर्सल हो जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, तो 2046 के ऊपर इंडिगो बुलिश है, 2055, 2068 और 2084 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2035 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जो दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो रहेगा कोल पैल का। अब अगर इसके प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जहाँ से ये स्टॉक रिजेक्शन ले सकता है। एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम भी स्टॉक में ट्रेड हुआ। मान लीजिए कल इस रेजिस्टेंस को एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है तो 1520 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1525, 1532, 1540 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1512 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर यही से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ जाता है तो 1512 के नीचे स्टॉक बेयरिश है, 1507, 1500 और 1491 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1520 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जो कल के दिन की तीसरी और आखिरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगी एसीसी की। इसके अगर प्राइस एक्शन के सेटअप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिखा रहा है जो कि स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है और डाउनसाइड से एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। और इन दोनों के बीच में इस स्टॉक का जो प्राइस है वो पूरी तरीके से स्क्वीज हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे गाइस, तो पूरे दिन भर हम लोग को बहुत बेहतरीन वॉल्यूम इस स्टॉक में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इधर किसी भी साइड में ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक जो है वो रेडी है। अगर 2453 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा, 2463, 2474, 2488 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2440 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड में नहीं मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो 2440 के नीचे स्टॉक बेयरिश है, 2431, 2417 और 2400 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2453 हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है,
और एक चीज गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाकर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पर ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह एक महीना प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं लगा रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2000-5000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरी लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है, चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और एलाइज ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स। इससे पहले एक बार इसका प्रेडिक्शन देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। दोस्तों निफ्टी के सारे और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लेवल शेयर करता हूं आप लोग के साथ में, ताकि आप लोग यहां पे वॉल्यूम देख सकें और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर जो है वो आप लोग यूज कर सकें। एक्चुअल फ्यूचर पे ट्रेडिंग भी होता है, तो यहां पे जो वॉल्यूम दिखता है वो थोड़ा सा रिलायबल हो जाता है हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। सो इसलिए सारे लेवल्स फ्यूचर पे करता हूं। बहुत सारे की गलत फहमी रहती है कि फ्यूचर पे लेवल करता हूं तो ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम लेवल्स को देखते हुए आप लोग ऑप्शंस पे भी जरूर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पे अगर इसके प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसने एक डाउनसाइड से सपोर्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, जहां से एक बाउंस बैक हम लोगों को लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी कल के दिन के लिए है, जहां से आज इसने रिजेक्शन जो है वो लेकर के रखा हुआ है। कल अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलता है तो कोई सवाल ही नहीं आता है, लेकिन इस जोन के अंदर अगर हम लोगों को कल गैप अप ओपनिंग मिलता है तो यहां से एक सपोर्ट क्रिएट करके हम, हो सकता है यहां से हम लोग को ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर हो सकता है यहां से हम लोगों को एक साइडवेज का मोमेंटम इस जोन के अंदर जो है वो देखने को मिले। और अगर कल फ्लैट ओपनिंग मिलती है या फिर रेजिस्टेंस के नजदीक मिलती है तो यहां से हाईली रिवर्सल के चांसेस जो वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बस यही रीजन है मैं आप लोगों के साथ में दोनों साइड के लेवल जो है वो शेयर करते रहता हूं, ताकि दोनों साइड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के पास में रेडी हो इन केस मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो आप लोगों के पास में दोनों साइड की व्यू जो है वो क्लियर हो जाता है। 18,335 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 18,374, 18,432, 18,490 और 18,551 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 18,300 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है। 18,264, 18,220, 18,161 और 18,108 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। अब अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे गाइस, तो कल ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ी सी कम बुलिश है और निफ्टी में बहुत अच्छा सा बुलिश ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला है। कल यहाँ पे परसेंटेज वाइज का चेंज मैंने आप लोग को दिखाया था, आज भी देख लीजिए ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस जो है हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एकदम हाई जो है इसका आज का दिन का उस लेवल पे क्लोजिंग भी दी है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस भी है जो काफी दूर है। अगर इससे पहले वाला थोड़ा सा मैं आप लोग को थोड़ा छोटा करके दिखा दो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जिस जोन में ऑलरेडी बैंक निफ्टी एंटर हो चुकी है अभी, वो इसका साइडवेज का जोन है। सो मे बी यहाँ पे एक साइडवेज का मोमेंटम भी हम लोग को जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस टाइप का इसमें वॉल्यूम आया है यहाँ से मैं एक ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो
अगर हम लोग बात करेंगे तो कल का दिन थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशन का होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन कोई अगर न्यूज़ आ जाता है गुड और बैड, हम लोग को उस साइड में व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसलिए हम लोग अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इससे एकदम परफेक्टली एक दिन पहले ही अपने ध्यान में लग करके चलते हैं, ताकि अगर हम लोग को जो भी एंट्री मिले किसी सपोर्ट लेवल पर तो बॉटम और टॉप जो है वो हम लोगों से मिस ना हो, चाहे कोई न्यूज़ आए चाहे ना आए। 43,663 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 43,771, 43,898, 44,000 और 44,161 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 43,557 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक है, 43,468, 43,353, 43,216 और 43,082 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिसकी एक्यूरेसी चल रही है 99% की एपिसोड नंबर 353 तक। ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए दोस्तों और डेली के अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।